हाय दोस्तों, आज के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ मेरे बड़े भाई से और हम कुछ किस्से शेयर करेंगे अब मेरे बचपन के जो बहुत ही फनी है। अलवानी फेमस है, एक और यूट्यूबर है मिस्टर सौरभ जोशी, वो हमारे अलवानी की देन है। माय लाइफ माय व्लॉग D2H व्लॉग। किससे शेयर करेंगे अब मेरे बचपन के जो बहुत ही फनी है। बड़े भाई ये देखिए, ये मेरे बड़े भाई हैं। इनके मुँह जुबानी में इनको एक किस्सा दिलाता हूँ, फिर ये खुद सुनाएंगे। जब मैं बहुत छोटा था तो क्या हुआ था, वो लौकी वाला हादसा। मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं लौकी नहीं खाऊँगा, तो वो थोड़ा सा डिटेल बताओ हुआ क्या था। मतलब माँ ने बनाई लौकी, हाँ, लौकी की सब्जी। मैंने पूछा माँ क्या बनाया है, तो माँ ने कहा कि बेटा लौकी की सब्जी बनाई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है लौकी की सब्जी। मैंने बुलाया अपने भाइयों को, मैंने कहा और लौकी की सब्जी खाएंगे, सब्जी बनी है और सही है। तो छोटे वाले जो हैं हमारे मिस्टर राजेश गुप्ता जी, वो आ गए। मिस्टर रवि गुप्ता का खाली ये था कि उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं लौकी नहीं खाऊंगा। मैंने भी इसके दो और कान पे रखे, मैंने कहा बेटे मरना पड़ता है भले लेकिन लौकी ज़रूर खानी है। तो दोस्तों ये वन ऑफ दैट इंसिडेंट है, और इस तरह के और भी कई इंसिडेंट हैं उनमें से। ये ऐसे कई चीज़ें हैं जो बचपन में इनकी हरकतें हुआ करती थी, लेकिन ठीक है वो मज़ेदार चीज़ें होती थी। वो कभी बचपन में अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर कहाँ होगा। तो ये बचपन में ज़रूरी भी है और ठीक है, बढ़िया, बहुत मस्त कटा है इनका बचपन। तो और कोई कहानी, और कोई किस्सा जो आपको याद हो? किस्सा क्या, मैं इनसे हमेशा एक बात कहा करता था, मैंने कहा एक टाइम आएगा, तुम सबसे कमज़ोर पतले थे, मैंने कहा लेकिन एक टाइम आएगा जो तुम घर में सबसे ज़्यादा वेट होगा तुम्हारा, हम दोनों भाइयों। तो वो इन्होंने अचीव करा, ये 100 के पार चले गए थे, 100 प्लस चले गए थे ये, जबकि इन्होंने कहा था ऐसा कभी हो नहीं सकता, मैं तो इतना दुबला पतला हूँ मैं कहाँ ऐसा हो पाएगा। लेकिन मैंने इनसे कहा था कि मैंने कहा बेटा ऐसा ज़रूर होगा, और ये उसको बिल्कुल साबित भी कर दिया इन्होंने, वेट दबा के हुआ इनमें, लेकिन आज सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन बस ये मेरे को प्रूव करने के लिए इन्होंने एक बार बढ़ा लिया था अपना, चल मैं एक बार बात काटूंगा नहीं तुम्हारी में, इसलिए मैंने अपना वेट बढ़ा लिया। नहीं नहीं तो बिल्कुल सही कहा भैया ना, ऐसा हुआ था। और ये मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ हैं जिनमें मैं कितना मोटा था। और दोस्तों मैं आया हूँ हल्द्वानी। ये देखिए हल्द्वानी कैसी सिटी है हमारी प्यारी सी। ये देखिए प्यारा सा सनसेट, तो शायद इतना साफ सुथरा सनसेट आपको कभी दिल्ली में या और जगह दिखेगा। और ये देखिए हमारी प्यारी हल्द्वानी। और भैया कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार भैया से कुछ सुन। हाँ भैया, हल्द्वानी इनकी जन्मस्थली है, हमारी जन्मस्थली है। और क्या है कि यह वैसे भी हल्द्वानी फेमस है, एक और यूट्यूबर है मिस्टर सौरभ जोशी, वो हमारे हल्द्वानी की देन है। यहीं पैदा हुए हैं, वो भी गांव के हैं, लेकिन उनको दुनिया जान रही है आज। तो सही कहा भैया ने, पाल सिटी के पास रहते हैं, कभी उन्हें फुर्सत मिलेगी तो हमारे व्लॉग भी ज़रूर देखेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर आप हल्द्वानी हैं, हल्द्वानी अगर आप नहीं भी सुना है आपने नाम, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने नैनीताल 100% सुना होगा। नैनीताल टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है, और लेक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, तो आप आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है।